हेलो इंडिया, प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर कुमार पुनीत गोयल है और हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड करियर्स में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आऊँ 14 मार्च 2019 के SSC CUP के 80 क्वेश्चन। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे, वो सारे मैं आपको बताऊंगा और ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। सिख धर्म के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, वो सारे प्रश्न मैं आपको यहाँ बताऊंगा, क्योंकि आगामी पूरे किसी भी परीक्षा में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो पूरे के पूरे वो क्वेश्चन भी आपके यहाँ कवर होंगे। पहला क्वेश्चन है, अरविंद घोष का जन्मदिन कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को मनाया जाता है हर साल। इनके द्वारा लिखी पुस्तकें कौन सी है? द सावित्री, द लाइफ डिवाइन और मदर इनके द्वारा लिखित पुस्तक है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ये जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये दोनों शिफ्ट के हैं, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के, और ये हमारा मोबाइल नंबर है 9837282318। अगर आप 15 तारीख में कोई पेपर देने जाएं CPO के, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं सारे क्वेश्चन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और उसके बाद इस वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों को, क्योंकि इतने सारे प्रश्न आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, केवल और केवल हमारे चैनल पर मिलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बल का SI मात्रक क्या होता है? बल का SI मात्रक न्यूटन है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसे दिया गया? इस बार ये विराट कोहली को मिला है, चानू को मिला है और 25 सितंबर 2018 को दिया गया। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। उज्जवल कल के लिए लड़कियों का सशक्तिकरण इस बार की थीम थी। एल्बर्ट बिल किसने दिया था? एल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के काल में आया था। DRDO डे कब मनाया जाता है? DRDO डे कब मनाया जाता है? टूथ एनेमल किस चीज से बना होता है? दांतों का एनेमल किस चीज का बना होता है? यह मृत कोशिकाओं का बना होता है और शरीर का कठोरतम हिस्सा होता है। वर्तमान समय में हमारे वित्त मंत्री कौन है? अरुण जेटली हमारे वित्त मंत्री हैं। न्यायमूर्ति फातिमा बीवी सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रही है और यह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला थी। उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही है लीला सेठ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार भारत की GDP ग्रोथ रेट 7.5% रही है और वर्ल्ड की छठी इकोनॉमी बन गया है भारत। वर्ल्ड बैंक ने भारत को बताया दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था। 2018-19 के लिए भारत का GDP 7.3% घोषित किया है वर्ल्ड बैंक। चेस बोर्ड के एक बॉक्स का एरिया दिया था तो चेस बोर्ड की पैरामीटर पूछी थी। एक बॉक्स का एरिया दिया है तो वो स्क्वायर होता है, एरिया से आप इसकी एक साइड निकाल लेंगे, उससे 8 से गुना कर देंगे। 8 से गुना कर देंगे तो एक साइड आ जाएगी, चारों साइड पूछी थी तो फिर 4 से गुना कर देंगे। निम्न में से कौन सा सरकारी बैंक नहीं है? तो जो ऑप्शन थे उनमें से इंडसइंड बैंक नहीं था सरकारी बैंक, बाकी सारे सरकारी बैंक थे। इंपीरियल बैंक का नया नाम क्या रख दिया गया था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंपीरियल बैंक का नाम बदल दिया गया था। नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। DRDO का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है और इसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। भारत का पहले सैटेलाइट कौन सा था? भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट था, जो 1975 में छोड़ा गया था रशिया से। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज्यादा सैटेलाइट छोड़ता है भारत में, सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है, जैसे कि नासा अमेरिका में। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष हैं डॉक्टर के सिवान। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में विक्रम साराभाई ने की थी। यूरोप, USA और वियना का वेन डायग्राम बताना है तो यूरोप और USA तो बिल्कुल अलग हैं और वियना इसमें आ जाएगा। यदि एक टंकी 5 घंटे में भरती है और B उसी टंकी को 6 घंटे में भरता है तो आधी टंकी कितनी देर में भरेगी? तो 2 × 1/5 + 1/6 कर देंगे तो आपका ये सॉल्यूशन निकल जाएगा। धारा का मात्रक क्या होता है? धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अब यहां पे मैं आपको सिखों के गुरु के कुछ सवाल बता देता हूं। बच्चों ने बताया था 3-4 सवाल आए थे तो वो सारे मैं आपको बता देता हूं। सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इनके 350वीं जयंती पर सरकार ने 350 रुपए का स्मृति सिक्का जारी किया है। 8वें गुरु गुरु थे गुरु हरकिशन सिंह और ये सबसे कम उम्र के गुरु रहे, केवल 7 साल की उम्र में ये गुरु बन गए।
पहले गुरु के बारे में बता देता हूँ। सिखों के पहले गुरु थे गुरु नानक जी। इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। इनका जन्म 1469 में पंजाब के तलवंडी, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहां पे हुआ था। इन्होंने गुरु का लंगर नाम से निःशुल्क भोजनालय की स्थापना की थी और अनेक स्थानों पर संगत और पंगत भी स्थापित किया था। गुरु नानक जी ने जो संगत स्थापित किया था, इसका मतलब होता है धर्मशाला, और पंगत स्थापित किया था, इसका मतलब होता है लंगर से लिया जा सकता है। सन 1538 ईस्वी में सिखों के पहले गुरु अर्थात गुरु नानक का पंजाब के करतारपुर में मृत्यु हो गई थी। और दूसरे गुरु थे गुरु अंगद। यहां पे मैं आपको 10 के 10 गुरु के मेन मेन काम आपको सारे बता रहा हूं, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन आपका आए तो वो सारे आपके सोल्व हो। गुरु अंगद का प्रारंभिक संबंध था लहना। इन्होंने गुरुमुखी लिपि का इजाद किया था। तीसरे सिखों के गुरु थे गुरु अमरदास। इन्होंने हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति का चलन सिखों के लिए किया था। गुरु अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना भी की थी। गुरु अमरदास मुगल सम्राट अकबर के काल के थे और अकबर ने स्वयं गोविंद लाल जाकर अमरदास जी से भेंट की थी और गुरु की पुत्री बीबी भानी को 500 बीघा उनके गांव वापस कर दिए थे दान में। गुरु रामदास चौथे गुरु थे। यह बीबी के पति थे, जो मैंने अभी आपको बताया है। गुरु अमरदास की बेटी बीबी भानी उनके पति थे और यह अकबर के समकालीन थे। अकबर के 500 बीघा जमीन इन्हें दान में दी थी। चौथे गुरु थे गुरु रामदास। इन्होंने इस जमीन पर अमृतसर नामक जलाशय का निर्माण करवाया। वह अमृतसर नगर की स्थापना भी गुरु रामदास ने ही की थी। गुरु रामदास जो कि चौथे गुरु थे, इनका सबसे उल्लेखनीय कार्य था, इन्होंने अपने पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपते हुए गुरु के पद को पैतृक बनाने का कार्य किया था। गुरु अर्जुन सिखों के आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की थी। अब सिख आदि ग्रंथ को ही अपने गुरु मानते हैं। 10वें गुरु के बाद इन्होंने आदि ग्रंथ को ही अपना गुरु मान लिया था, तो सिखों के आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन ने ही की थी। गुरु ग्रंथ साहिब में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक की प्रेरणादायी गीत संकलित किए थे गुरु अर्जुन ने। गुरु अर्जुन ने अमृतसर नामक जलाशय के मध्य में हरमंदर साहब का निर्माण किया था, जिसे हम हरमंदर साहिब गुरुद्वारा के नाम से जानते हैं। गुरु अर्जुन को जहांगीर ने, यानी सलीम ने, अकबर के बेटे थे जहांगीर, उन्होंने 1606 में मरवा दिया था। गुरु हरगोबिंद सिखों के छठे गुरु थे। इन्होंने सच्चा बादशाह की पदवी ग्रहण की थी। इन्होंने अकाल तख्त का निर्माण किया था। सिखों को सैन्य संगठन देने का श्रेय भी और अमृतसर की किलेबंदी करने का श्रेय भी गुरु हरगोविंद को जाता है। नगाड़ा बजाने की व्यवस्था का प्रारंभ भी गुरु हरगोविंद जी ने शुरू किया था। 7वें गुरु थे गुरु हरु राय। ये दारा सिखों के समकालीन थे। इन्होंने शांति में प्रचार की नीति अपनाई थी। गुरु हरकिशन मैंने आपको बताया था सबसे कम उम्र के गुरु थे। इन्होंने औरंगजेब को दिल्ली में गुरु पद की व्याख्या दी थी और चेचक के कारण अल्पायु में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर औरंगजेब के समकालीन थे और इन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया था, इसके कारण औरंगजेब ने इन्हें मृत्युदंड दिया था। 10वें गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह। इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था। इनके बाद सिखों के आदि ग्रंथ को, यानी गुरु ग्रंथ साहिब को ही सिखों का स्थायी गुरु मान लिया गया। गुरु गोबिंद सिंह द्वारा सिखों के लिए 5 ककार अर्थात केश, कंघा, कड़ा, कृपान और कच्छा रखने की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसे हम 5 ककार के नाम से जानते हैं। इसके साथ ही सिखों के नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए निर्देशित किया था। पाहुल प्रणाली की शुरुआत करने वाले भी गुरु गोबिंद सिंह ही थे। गुरु गोबिंद सिंह ने 1699 में 1699 में खालसा पंथ को स्थापित करने का कार्य किया था। 1708 में गुल खान ने गुरु गोबिंद सिंह की नांदेड़ नामक स्थान पर हत्या कर दी थी। ZnSO4.2H2O का रासायनिक नाम क्या है? जिंक सल्फेट। 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है पूरे भारतवर्ष में। बुलंद दरवाजा किसने बनाया था? अकबर ने बनवाया था। भारत ने एशियाई खेल के 2018 में टोटल 69 पदक जीते, जिसमें 15 स्वर्ण, 24 रजत और 30 कांस्य पदक थे।
अभी मैं आपको ये सारे प्रश्न दे रहा हूं और इन प्रश्न को नोट बना लीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि इनमें से एक दो क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो आप ये वीडियो देख के जाएं, इससे आपको आईडिया भी हो जाएगा किस तरह के सीपीओ के क्वेश्चन आ रहे हैं। सीपीओ 14 मार्च के ऑल शिफ्ट के, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट के सारे क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जीके के। 2018 के राष्ट्रमंडल खेल कहां हुए थे? इन्हें कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से भी जानते हैं। ये गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। जहांगीर मुगलों का कौन से वे रैंक का राजा था? ये चौथे रैंक का राजा था, बाबर, हुमायूं, अकबर, उसके बाद जहांगीर। जहांगीर को हम सलीम के नाम से भी जानते हैं और इन्होंने न्याय का घंटा भी लगवाया था। रोजर फेडरर ने अपना 20वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन 2018 के रूप में। पिछले ओलंपिक खेल कहां हुए थे? ये रियो डी जनेरो में हुए थे 2016 में, और अगले 2020 के टोक्यो में होंगे। बनवारीलाल पुरोहित प्रेजेंट टाइम में तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। अनुच्छेद 35 से क्या है? जम्मू कश्मीर के भारत में शामिल होने के बाद शेख अब्दुल्ला को वहां के अंतरिम प्रधानमंत्री बना दिया गया। 1952 में जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच एक समझौता हुआ जिसे दिल्ली समझौता कहा जाता है। इस दिल्ली समझौते के तहत संविधान के अनुच्छेद 370(1)(d) के तहत भारत के राष्ट्रपति को जम्मू और कश्मीर के राज्य विषयों के लाभ के लिए संविधान में अपवाद और संशोधन करने की ताकत देता। इसी के आधार पर राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने 14 मई 1954 को एक आदेश के जरिए 35(a) को लागू किया। 35(a) अनुच्छेद में जम्मू कश्मीर की सरकार और वहां की विधानसभा को जम्मू कश्मीर का स्थायी नागरिक तय करने का अधिकार देता है। आयुष्मान भारत योजना कब चलाई गई? इसे हम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जानते हैं। यह भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है जिसे 1 अप्रैल 2018 को पूरे भारत में लागू किया गया था। रामचरितमानस पुस्तक किसने लिखी थी? तुलसीदास ने, जबकि रामायण लिखी थी वाल्मीकि ने। कामसूत्र पुस्तक किसने लिखी? डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद वास्यानंद अज्ञे, ये पूरा एक ही नाम है, डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद वास्यानंद अज्ञे, इन्होंने कामसूत्र नामक पुस्तक लिखी। एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 230 मीटर है, उसकी ऊंचाई 5 मीटर है। अगर 7.5 रुपए वर्ग में खर्चा आता हो तो पूरा बनाने का उसका खर्चा क्या आएगा? फर्श का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल और चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उससे आप खर्चे से गुना करके टोटल खर्चा निकाल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना कब चलाई गई? 2014 में चलाई गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के तहत इसे शुरू किया गया था। विद्युत चुंबक की खोज किसने की थी? विलियम स्टर्जन ने की थी। एल्बर्ट मिल क्या है? वायसराय के कानून सदस्य सर सीपी एल्बर्ट ने 1883 में इसे पेश किया था। यह मुख्य रूप से अंग्रेज अपराधियों के मामले पर भारत के जजों द्वारा सुनवाई से संबंधित था। अंग्रेजों ने इस बिल का तीव्र विरोध किया था। 24 जनवरी 2018 को देश भर में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है जिसे हम नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के नाम से जानते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर वर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम थी मेरी उड़ान मेरी पहचान। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को एक विषय भी रखा गया था, वो था विद हर ए स्किल्ड गर्ल फोर्स। बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है और बल का जीपीएस मात्रक डाइन या ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड होता है। थायराइड के कारण क्या होता है? थायराइड के कारण बालों का झड़ना, पतला होना, चेहरा सूजा हुआ लगना और रूखी आना बोला जाता है और आवाज धीरे धीरे कम होती चली जाती है। मास्टर ग्लैंड किस ग्रंथि को कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड का नाम दिया जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को अंग्रेज अफसर जनरल डायर ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में मौजूद निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी। इस हत्याकांड में अनऑफिशियली 1000 से ज्यादा लोग मारे जाने गए थे। जब जलियांवाला बाग में हत्याकांड हो रहा था उस समय उधम सिंह वहीं मौजूद थे और उन्हें भी गोली लगी थी। उन्होंने तय किया था वह इसका बदला लेंगे और उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को लगभग 21 साल बाद लंदन के कैक्सटन हॉल में इस घटना के समय ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर
माइकल ओ डायर को गोली चला के मार डाला। उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को फांसी पर लटका दिया गया। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर लड़ा गया था। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी और दूसरी ओर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना थी, और कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। भारत दर्शन ट्रेन खास धार्मिक स्थलों पर जाती है। इसकी शुरुआत का नाम पहले विलेन ऑन व्हील्स था। इसकी पहली बार शुरुआत 29 नवंबर 2004 को हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अतुल्य भारत अभियान का चेहरा माने गए, यानी ब्रांड एम्बेसडर माने जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन हमने कोशिश की आपको दे ज्यादा से ज्यादा, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, और हम पूरी कोशिश करते हैं आपको जेन्युइन क्वेश्चन पहुंचाने की। आप हमारे ऊपर विश्वास कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं, मैं अनअकैडमी में प्लस कोर्स में पढ़ाता हूं, वहां पे आप मेरी लाइव क्लास लेना चाहते हैं तो शाम को 7 बजे हमारी क्लास हुआ करेगी, 7 से 8। इस क्लास से जुड़ने के लिए आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 1 महीने का, और A to Z करियर्स, अगर आप A to Z करियर्स उसमें डालेंगे मिला के तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। और YouTube पे आप मेरी वीडियो देख ही सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल वाला आइकन दबा दें, और अगर आपको लगता है वीडियो अच्छी है और जेन्युइन है तो आप लाइक का बटन दबाने के बाद अपने यारों दोस्तों को व्हाट्सएप के स्टडी रिलेटेड ग्रुप में और व्हाट्सएप पे पोस्ट जरूर कर दे ताकि वो भी इन वीडियो का लाभ ले सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू, ऑल द सक्सेस इन योर लाइफ। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।